हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन ईटर्स। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़। फर्स्ट, फिजिक्स वन के लिए 15 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सब्जेक्ट क्लियर करने में भी और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प कर देंगे। और सेकंड पार्ट, ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा उसके आंसर्स कहाँ आपको मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के साथ, जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मैंने जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसको चार डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, सो दैट आपको समझने में आसानी हो और आप जब पढ़ाई करना बैठे हो तो हर सेक्शन को एक एक एट अ टाइम लेके आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन वन के साथ। तो सेक्शन वन के अंदर है चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, तो मैं इधर पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, जिसके अंदर आपको टोटल अब्सॉर्प्शन, एवरेज अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड रिवर्बेशन टाइम आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो ये आपको 4 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में कैसे भी आ सकता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। सो अगेन ये 4 से लेकर 7 मार्क्स के बीच में कैसे भी आ सकता है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है जोसेफसन जंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो आपको ये शॉर्ट नोट आ सकती है 4 मार्क्स के लिए। फिर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है ड्रॉ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम एंड एक्सप्लेन मेन पॉइंट्स ऑफ इट। सो आपको ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन टू की तरफ, जिसके अंदर अगेन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी, तो आपको ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है गिव लाइक व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र गिव इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स, आपको ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो अगेन एक न्यूमेरिकल है, तो मैं डिटेल में न्यूमेरिकल इधर लिख देता हूँ। सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिसके अंदर आपको डेप्थ ऑफ सी एंड वेवलेंथ ऑफ द पल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन टू का, वो है टाइप वन एंड टाइप टू सुपर कंडक्टर्स के बीच में आपको डिफरेंशिएशन फिगर आउट करना है 4 मार्क के लिए। ओके, ये तो था आपका सेक्शन टू। अब सेक्शन थ्री पर जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोज आएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग आपके जॉब और प्लेसमेंट्स के रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, सो अब बढ़ते हैं सेक्शन थ्री की तरफ, जिसके अंदर है आपका 9th क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है अगेन। सो मैं डिटेल न्यूमेरिकल इधर लिख देता हूँ, तो आपको क्रिटिकल करंट ऑफ सुपर कंडक्टिंग वायर आपको फिगर आउट करना पड़ता है और आपको सब डिटेल्स दी रहती है, तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर जो आपका 10th क्वेश्चन वो है व्हाट इज डैम्पिंग मोशन एंड डिराइव द इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, सो आपको 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर जो आपका 11th क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अकोस्टिक्स ऑफ एन ऑडिटोरियम, जो आपको 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। और जो आपका 12th क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन यंग मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो, जो आपको 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जिसके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल्स है। सो जो 13th क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, सो मैं इधर लिख देता हूँ पूरा न्यूमेरिकल। तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 4 से लेकर 7 मार्क्स के लिए आ सकती है। ओके, अब बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर है डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय मैग्नेटोस्मेटिक मेथड एंड गिव एडवांटेजेस एंड इट्स लिमिटेशन। ओके, सो आपको 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर जो आपका 15th क्वेश्चन है वो अगेन एक बड़ा न्यूमेरिकल है, तो मैं इधर पूरा डिटेल में लिख दूंगा, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपको सब डिटेल्स दी रहेगी। ओके, सो ये तो थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स वन सब्जेक्ट के, जो आपको सब्जेक्ट क्लियर करने में भी और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे अगर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो। बट कभी कभी पेपर पैटर्न चेंज हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताए वो नहीं आके दूसरे थोड़े और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो जस्ट टू बी श्योर कि आप पेपर के अंदर अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स ला पाओ, हम लोग ने ब्रेन ईटर्स क्वेश्चन बैंक करके एक चीज़ लॉन्च किया, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% ऑफ क्वेश्चंस ब्रेन ईटर्स क्वेश्चन बैंक्स में से ही आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर उधर लिंक है, आप जाके देख सकते हो ब्रेन ईटर्स क्वेश्चन बैंक्स क्या है। ओके, अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ, जो है कि ये जो मैंने प्रीवियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए इसके आप सॉल्यूशंस कैसे ढूंढ सकते हो या कहाँ आपको ये सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, सो द फर्स्ट अप्रोच है ब्रेन ईटर्स लाइब्रेरी। ओके, तो ब्रेन ईटर्स लाइब्रेरी के अंदर हम लोग ने ना सब रेफरेंस बुक्स डाली हुई है, सो आप जाके वो रेफरेंस बुक्स के अंदर से आंसर ढूंढ सकते हो। ओके, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी भी लिंक है, आप सीधा जाके ब्रेन ईटर्स लाइब्रेरी पर जा सकते हो। और सेकंड चीज़, सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, कि अगर आपको ये सब मेहनत नहीं करनी है रेफरेंस बुक में से आंसर ढूंढना और ये सब चीज़ें,
तो हम लोग की ब्रेन हीटर्स नोट्स है, जिसके अंदर हम लोग ने रेफरेंस बुक से ही आंसर्स आपके लिए रेडीमेड बना के रखे हैं। सो आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है ब्रेन हीटर्स नोट्स में जाना है, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस है जो मैंने वीडियो में बताए, अलॉन्ग विद दैट हम लोग की जो ब्रेन हीटर्स क्वेश्चन बैंक है उसके सबके सोल्यूशंस आपको BH नोट्स के अंदर रेडीमेड मिल जाएंगे। सो वो हमारे ब्रेन हीटर्स स्टडी रूम के अंदर का हिस्सा है। सो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वो भी चेकआउट कर लो। ओके, अब ये तो हो गया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशंस कहाँ से मिल जाएंगे। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा वो है, अब ब्रेन हीटर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जिसके अंदर 30,000 to 40,000 प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करते हैं, स्टडी मटेरियल शेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट करियर टिप्स वगैरह मिलती है। सो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सो आप वो क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर लो। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल दबा दो, एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट आगे जो भी दूसरे वीडियोज आएंगे आपको उसके भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।